लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज रोगियों को चावल छोड़ने की नहीं है जरूरत, बस खाते समय इन बातों का रखना है आपको ध्यान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज के रोगियों को कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता है ताकि ब्लड शुगर ना बढ़ जाए। इन रोगियों को चावल को पूरी तरह से छोड़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज भी सीमित मात्रा में चावल का सेवन कर सकते हैं। ऐसे में आपको चावल खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है डायबिटीज़ के रोगियों को चावल खाते समय। तो पहला है, डायबिटीज़ के मरीजों को चावल को कुकर में पकाने के बजाय इसे पैन में पकाना चाहिए। ऐसे में ध्यान रखें कि पैन में जमा पानी को पूरी तरह से निकाल दें। ऐसा करने से इसमें मौजूद स्टार्च कम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। दूसरा, कम चावल खाएं। अगर आपको या फिर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो ऐसे में जितना हो सके चावल का सेवन कम करें। ज़्यादा चावल खाने से स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। तीसरा, चावल खाने के बाद टहलें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो चावल खाने के बाद आराम करने या फिर सोने से बचें। इसके लिए आपको चावल खाकर ब्रिस्क वॉक या फिर वॉकिंग करना चाहिए। इससे शरीर में फैट नहीं जमता है, साथ में खाना भी आसानी से पच जाता है। डाइट में शामिल करें कुछ फूड्स। डायबिटीज़ के मरीजों को केवल चावल खाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए पनीर, अंडे, हरी सब्जियां, चिकन या फिर फाइबर से भरपूर अन्य फूड खा सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपके फैमिली में किसी और को डायबिटीज है, आप ज़्यादा चावल खाने से बचें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो ऐसे में ज़्यादा चावल खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, इसे खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, इससे डायबिटीज़ के मरीजों को समस्या हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। धन्यवाद।